So relative velocity in a plane, relative velocity of object A with respect to object B moving with velocity VA and VB is given as. तो हम लोगों को ये हम लोग जब पहली क्लास में हम लोग relative velocity पढ़ रहे थे, जब motion in a straight line कर रहे थे शुरू में, तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि velocity of A with respect to B, मैंने बोला था A की formula पूरे relative velocity को explain कर देता है, वो ये है कि V A with respect to B, velocity of A with respect to object B is equal to VA minus VB. उस समय भी मैंने relative velocity में तुम लोग को समझाया था कि relative velocity होता क्या है, कि एक object का दूसरे object के respect में motion हम लोग consider करते हैं. तो मैंने एक example train वाला example दिया था, right? तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर एक train है, वो train जो है let's say इधर जा रही है, और इस ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई मान लीजिए सी है ये ऑब्जेक्ट, और ये दूसरा आदमी डी है, और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक तीसरा आदमी खड़ा है, ठीक है, ये जो तीसरा आदमी है लेट्स से ई है, राइट. तो जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी, मतलब इस आदमी का इसके रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो हमें पता है कि भाई दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, और उनका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, जो ट्रेन का वेलोसिटी है, मान लो ट्रेन का वेलोसिटी वी है, ट्रेन वी स्पीड से राइट के तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो वी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग लिखते हैं भाई वी सी, वी सी माइनस वी डी. अब हमें पता है कि वी सी वी के बराबर ही है, वी डी भी वी के बराबर है, तो वी माइनस वी जीरो हो जाता है. तो ये हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे सामने जो इंसान बैठा हुआ हमें वो रेस्ट पे दिखता है, वो आदमी रुका हुआ दिखता है, राइट. और यही अगर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ई करें, या फिर वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू ई करें, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ई. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसका वेलोसिटी जीरो होता है, ये आदमी जो खड़ा है इसका वेलोसिटी जीरो है, तो वी माइनस जीरो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. तो मतलब इस आदमी को क्या दिखेगा, ये दोनों वी वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखेंगे, जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा है. अगर हम लोग इसको उल्टा कर लें कि भाई वेलोसिटी ऑफ ई विथ रेस्पेक्ट टू सी, ट्रेन के अंदर जो हमारा फ्रेंड बैठा है वो हमें ऑब्जर्व करेगा तो हम कैसा दिखेंगे उसे, तो वो क्या होता है, देखो वी ई माइनस वी सी, तो वी है जीरो, वी सी है वी, जीरो माइनस वी, माइनस वी के स्पीड से जाता हुआ दिखेगा. मतलब अगर ट्रेन में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी बैठा हुआ है, तो उसको प्लेटफॉर्म पे जो आदमी है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा. हमें दिखता भी है जब ट्रेन चलनी शुरू होती है तो हमारे जो परिजन हमें छोड़ने आते हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, राइट. तो ये क्या, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस ऑफ वी हो गया, पीछे की तरफ. नेगेटिव साइन क्या बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वी इधर है तो माइनस वी इस डायरेक्शन में हो गया. तो एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में ये आदमी पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा. क्लियर है ये पॉइंट? यस सर. तो ये एक मतलब बेसिक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग लेके चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए. अब हम लोग ये तो देखो स्ट्रेट लाइन में था, है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, मतलब काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे. जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे तब वहां पे वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली एड सब्ट्रैक्ट नहीं. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी इज गिवन एज वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. ये यहाँ पे भी वैलिड है, जो स्ट्रेट लाइन में वैलिड था वो प्लेन में भी वैलिड है. बट यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे इसको समझेंगे, ये समझो कि एक वेलोसिटी वी ए, मान लो वी ए इस डायरेक्शन में है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है वी बी, राइट. अब हम लोग कह रहे हैं वी ए, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी
और इसको तुम लिख सकते हो VA plus of minus VB. तो VA plus of minus VB का मतलब पहले तो minus VB निकाल लो, ये हो गया तुम्हारा minus VB, है ना, VB का उल्टा हो गया minus VB. अब VA और minus VB का resultant हम लोग को निकालना है. VA और माइनस वीबी का रिजल्टेंट, प्लस साइन बीच में है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जो वी ए माइनस वीबी ये हो जाएगा हमारा, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम लोग करते थे, राइट. तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज, ये जो वेक्टर है ये वी ए माइनस वीबी है, जिसको हम लोग वी ए बी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वील बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अभी जो रेन वाला प्रॉब्लम है कि जो जो भी हमें वेलोसिटी ऑफ बी होगा उसका नेगेटिव निकाल के और उसके बाद वी ए और माइनस वी बी का हम लोग रिजल्टेंट कर लें. सो लेट द टू ऑब्जेक्ट्स बी मूविंग इन अ प्लेन एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है ये VB है और दूसरा ये VA है, राइट. सो अब और इनके बीच में जो एंगल है मोशन का वो थीटा है A और B के बीच में. सो लेट द टू ऑब्जेक्ट्स बी मूविंग इन अ प्लेन एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ A एंड B मूविंग विद वेलोसिटीज VA एंड VB वेयर VA इज इक्वल टू OQ वेक्टर. ये जो VA वेक्टर है वो OQ वेक्टर है, VB वेक्टर जो है वो OP वेक्टर है. To find the relative velocity of object A with respect to B, अगर A with respect to B हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा है minus VB, ये OP dash हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, VB जो दिया हुआ है उसका minus VB एक निकाल लेते हैं, ये हो गया minus VB opposite direction. तो यहाँ VB इन्होंने x axis के along लिया है तो उसका opposite क्या हो जाएगा, minus VB ये हो जाएगा. और ये VA इसी direction में रहेगा. VA और माइनस VB का जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा VA और माइनस VB का मतलब रिजल्टेंट हो गया. तो ये बेसिकली VAB को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सो ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट A पोजेसेस टू वेलोसिटीज VA अलोंग OQ एंड VB अलोंग OP डैश सो इंक्लाइंड एट एन एंगल 180 माइनस थीटा. तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही होता है अगर ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है तो बी को हम लोग रेस्ट पे पहले ले आते हैं और उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी को देखते हैं. तो बी इज ब्रॉट टू रेस्ट, है ना, बी को हम सोचते हैं कि ये स्टेशनरी है, जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है. तो उसके रेस्पेक्ट में ए कैसे मूव करता हुआ दिखेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है अगर हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को समझें. तो VB को रेस्ट पे लाने के लिए ये माइनस VB हम लोग ऐड करते हैं, VB में माइनस VB ऐड कर दिया तो ये VB रेस्ट पे आ गया. उसके बाद VA और माइनस VB का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी देता है जो कि VAB होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to B is the resultant of VA and minus VB. So basically ये VA और minus VB का resultant है. According to parallelogram law of vector addition, अगर हम लोग यहाँ पे एक diagram फिर से तुम्हारे लिए बना दें. ये हमारा VB था ये हमारा VA है और माइनस VB इस डायरेक्शन में हो गया और माइनस VB और VA के बीच में जो रिजल्टेंट है ये VAB हो गया और इस एंगल को थीटा हम लोग लिख रहे हैं, राइट. सो अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी VAB निकालना होगा तो VA स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस VB का होल स्क्वायर प्लस 2A
टू वी ए वी बी, इनका मैग्नीट्यूड तो वी ए वी बी ही है, कॉस 180 माइनस थीटा। अब उसको हम लोग वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, ये हम लोग बताए थे कि भाई कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट? ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था तुम्हें कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसीलिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। एक हम लोग ने किया था भाई ये एड शुगर टू कॉफी, तो साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, तो 180 माइनस थीटा का मतलब इधर से 180 डिग्री आए और माइनस थीटा हो गया, मतलब यहाँ पे इस जगह पे पहुंच गए। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा हम लोगों ने लिख लिया। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ वी ए बी मेक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वी ए, तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल बीटा है, तो अगर टेन बीटा निकालना होगा, ठीक है, तो tan beta is vb sin 180 minus theta by va plus vb cos 180 minus theta, सेम जो हम लोग parallelogram law में फॉर्मूला लेते हैं या triangle law में जो फॉर्मूला लेते थे vector addition में, सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दोनों vectors va और minus vb के बीच में जो एंगल है वो 180 minus theta, इसीलिए vb sin 180 minus theta by va plus vb cos 180 minus theta, ये एंगल निकालना है, इसीलिए vb sin 180 minus theta कर। So, sin 180 minus theta plus sin theta होता है, cos 180 minus theta minus cos theta होता है, तो ये tan beta का value होगा। But देखोगे कि ठीक है यहाँ पे ये सब formulas वगैरह हैं derive करने के लिए, but generally तुम लोग formulae, मैं नहीं suggest करूँगा कि सारे formulae याद करो, क्योंकि हर question में जो है ना diagram अलग बनेगा और उसके हिसाब से हम लोग को निकालना होगा, तो basics से लेके चलेंगे तो ज्यादा easily बन जाता है। फॉर्मूला याद करके शॉर्ट लिव, मतलब थोड़े दिन के लिए मजा आएगा, एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी क्वेश्चन में फंस जाओ, तो फॉर्मूला याद करके बहुत अच्छा चीज नहीं है। बट हाँ, ये हम लोग डेरिवेशन इसलिए करते हैं जिससे तुमको सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए, जनरल तरीका पता चल जाए कि क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो पता करने के बाद जब क्वेश्चन स्पेसिफिक डायग्राम बनेगा उसका सॉल्विंग उसके हिसाब से होगा, उस डायग्राम के हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर हम लोग समझें कि भाई सबसे पहले ऐसे समझते हैं, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, पहले हम आपको बेसिक समझा दें कि मान लीजिए रेन जो है वर्टिकली फॉल कर, रेन का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक आदमी है, ठीक है, ये, ठीक है, ये आदमी अब ये राइट साइड में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया वी आर, और ये हो गया वी एम, ठीक है। अब आप बेसिक देखो, यहाँ पे जब आपको बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालिए, मतलब बोलेगा क्या आपको, ये बोलेगा कि भाई रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था और एक आदमी ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको अपने अम्ब्रेला को, अपने छाते को किस डायरेक्शन में पकड़ना है वर्टिकल से कि वो भीगे ना, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये आदमी ये वर्टिकल हो गया, राइट। अब ये देखो कि हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये बात की थी पिछले, मतलब अभी पिछले स्लाइड्स पे, कि भाई आपको किस डायरेक्शन में छाते को पकड़ना होगा, उस डायरेक्शन में जिधर जो जिधर से रेन उसको आता हुआ महसूस होगा, मतलब उसको आता हुआ लगेगा। एक्चुअली रेन तो देखो वर्टिकल ही आ रहा है, लेकिन जब वो वीएम वेलोसिटी से जाएगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जो डायरेक्शन होगा वी आर एम का डायरेक्शन जो होगा, उस डायरेक्शन में अपने छाता को पकड़ना पड़ेगा।
क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी फिर हो गया ना, मैन के रेस्पेक्ट में रेन किस डायरेक्शन में आ रहा है, अभी तो रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, हम लोगों को ये निकालना है कि भाई मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रहा है, और उसी डायरेक्शन में उसको अपने छाते को पकड़ना होगा जिससे वो गीला ना हो, वो भीगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला देखा भाई, रिलेटिव वेलोसिटी VAB क्या होता है, VA माइनस VB, तो VRM क्या हो जाएगा, VR माइनस VM। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। अब VR माइनस VM करना है हम लोगों को, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई VR प्लस ऑफ माइनस VM कर ले, मतलब VR और माइनस VM का रिजल्टेंट निकाल ले। तो प्लस VM इस डायरेक्शन में है तो माइनस VM जो है हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया माइनस VM का। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, VR और माइनस VM का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को पहले तो कंप्लीट करेंगे, राइट। सो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग जो डायगोनल का डायरेक्शन होगा, वो डायगोनल का डायरेक्शन हम लोग का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो गया। अब इस आदमी को, इसका मतलब रेन जो है इस डायरेक्शन में आता दिखेगा, तो ये आदमी जो छाता पकड़ेगा वो छाता इस डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में छाते को होल्ड करेगा, जब इस डायरेक्शन में छाते को होल्ड करेगा तब वो गीला होने से बच जाएगा, क्योंकि उसको रेन इस डायरेक्शन में ऐसे आता हुआ दिखेगा। मैन को ऐसा लगेगा कि रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक चीज समझो कि जिस डायरेक्शन में भी आदमी मूव करेगा उसको छाता उसी डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा जिससे कि वो रेन से बच जाए, ठीक है। तो जिधर मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में रेन आगे के तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। रेन एक्चुअली में ऐसे आ रहा था, बट मैन के रेस्पेक्ट में वो रेन अपना डायरेक्शन घूम जाएगा उसका, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मैन इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली होता है तभी तो पढ़ रहे हैं तुम। लेकिन अभी इस बारी बारिश किसी दिन होगा तो तुम तेजी से साइकिल चलाना, तुम देखना कि तुम्हारे ऐसे तुम खड़े हो जाना पहले, तब जो बारिश का डायरेक्शन होगा, मतलब छाते को पकड़ना, तो तुमको सामने ऊपर पकड़ना पड़ेगा वर्टिकली अपवर्ड, जिससे कि तुमको बचने के। अब अगर जब तुम साइकिल चला के जाते हो तो तुमको छाता आगे की तरफ झुकाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। प्रैक्टिकली ही तो पॉसिबल है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा मतलब ऐसा होता है बेसिकली जब आप मूव कर रहे हो VM वेलोसिटी से, तो आपको रेन आगे के तरफ डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखता है, मतलब रेन आगे के तरफ से आता हुआ दिखता है, राइट। सो दैट इज बिकॉज कि आप मूव कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली आप मूव कर रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। जैसे ही आप खड़े हो जाओगे आपके ऊपर आने लगेगा वर्टिकली डाउन। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ऐसा नहीं कोई थियोरेटिकल सिनेरियो है। हम लोग क्या है कि ऑब्जर्व नहीं करते हैं उस चीज को, हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा भी हो रहा होगा, बट एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा। तुम खुद सोचो ना, तुम बाइक से जाते हो कभी, बाइक से तो तुम लोग चलते हैं और वहां पे पूर्णिया में काफी है। जब बारिश हो रही होती है तो तुम देखते हो आगे ही पूरा गीला होता है, पीछे बिल्कुल गीला नहीं होता। ऑब्जर्व किया हो ना इस चीज को, शर्ट वर्ट आगे पूरा भीग जाता है और पीछे शर्ट बिल्कुल सूखा रहता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? यस सर। तो वो इसी वजह से, यही कारण है उसका, क्योंकि बाइक तुम तेजी से चला के जा रहे हो, उसके मोशन के वजह से रेन हमेशा आगे की तरफ से तुमको हिट करेगा, क्योंकि तुम मोशन में हो। तुम अगर बाइक पे एक जगह खड़े हो जाओगे तो तुम हर तरफ बराबर गीले होगे, तब बस आगे नहीं गीले होगे। और किसी को कुछ पूछना है? तो इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई जब भी रेन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और अगर आदमी किसी डायरेक्शन में अगर वो मूव करने लगे किसी स्पीड से, वीएम स्पीड से, तो उस आदमी को रेन, अब रेन का जो वेलोसिटी है उस आदमी के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी इन अ डायरेक्शन एट सम एंगल विद द वर्टिकल. अब तुमको क्वेश्चन में ज्यादातर तुम देखोगे कि तुमको ये पूछा है कि उसको वर्टिकल से कितने एंगल पे अपने अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, मतलब थीटा एंगल पूछेगा तुमसे. थीटा एंगल पूछ रहा है मतलब ये भी थीटा एंगल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो अब तुम देखोगे तुम्हारा ये जो वी आर एम है और ये क्या हो गया, ये जो है ये हो गया वी आर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, और ये वी एम हो गया, राइट. मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी एम के बराबर ही होगा ऑपोजिट साइड. तो अब तुम्हारा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एम अपॉन वी आर हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो वी एम अपॉन वी आर हो गया. सो इससे हम लोगों को थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एम अपॉन वी आर. तो ये तुम जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम देखोगे कि यही तुमसे पूछा जाएगा कि उसको अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब एक और सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे. अब क्या होगा कि एक दूसरा केस है कि जब आदमी खड़ा था मतलब स्टेशनरी था, तो उसको जो रेन जो है, तो जब वो स्टेशनरी था उसको रेन किसी पीछे के डायरेक्शन से आता हुआ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में. मतलब एक इंसान यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो उसको रेन पीछे से हिट करता हुआ दिख रहा है, राइट. तो अब वो इंसान क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है इस डायरेक्शन. तो जब वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, राइट, तो मान लो ये उसका वेलोसिटी है. So, इस डायरेक्शन तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, तब उसको रेन क्या होता है, वर्टिकली आना शुरू हो जाता है. क्यों वर्टिकली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले पीछे से हिट कर रहा था, अब वो इधर मूव कर रहा है. तो अब ये था डायरेक्शन हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन. पहले तो वेलोसिटी माइनस ऑफ वी एम निकालेंगे, ये हो गया माइनस वी एम. तो अब इन दोनों का हम लोग जो पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम लोग निकालें वैल्यू, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये वी आर हो गया, और ये माइनस वी एम है. तो वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट क्या हो गया, वी आर एम हो गया. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनफैक्ट क्वेश्चन का पार्ट है जो अभी हम तुमको एज अ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कि एक आदमी वीएम वेलोसिटी से जा रहा है, पहले जब स्टेशनरी था तो उसको पीछे से कहीं से किसी डायरेक्शन में ये रेन हिट कर रहा है. जब वो वीएम वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, तब जो उसका रेन का डायरेक्शन उसको जैसा लग रहा है, रेन जिधर से आ रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया इस डायरेक्शन में, है ना. तो अब देखो जब स्टेशनरी है तो उसको अम्ब्रेला यहाँ पे पकड़ना था, इस डायरेक्शन में पकड़ना था. जब वो मूव कर रहा है वीएम से, तब उसको अम्ब्रेला यहाँ पकड़ना है. तो आप समझो इसको कि जब ये स्टेशनरी है तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा, जब वो मूव कर रहा है तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा. अब वो अपना स्पीड डबल कर देता है, मतलब वीएम से 2vm पे आ जाएगा. तो ये जो है पूरा, ये देखो 2vm हो गया. जब अपना स्पीड डबल करेगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2vm माइनस ऑफ 2vm निकालना पड़ेगा, है ना. नेगेटिव में भी माइनस 2vm निकालना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट लोगे वो अब किसके किसके बीच में लोगे, बेसिकली vr और 2vm के बीच में लोगे. तो जो अब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा इस पैरेललोग्राम का, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा. तो अब जो उसको पकड़ना पड़ेगा
वो बेसिकली इस डायरेक्शन में पकड़ना। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा है, जो अम्ब्रेला का जो मूवमेंट है, देखो पीछे से लेके आगे के तरफ ऐसे टिल्ट करता जाए, क्लियर है? जैसे जैसे वो अपना स्पीड बढ़ाएगा, अम्ब्रेला जो है उसको इस डायरेक्शन में मूव करते रहना पड़ेगा पीछे से आगे के तरफ। इज इट क्लियर? और ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो और आगे उसको अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, जिधर मोशन हो रहा है उधर के तरफ अम्ब्रेला को पीछे से आगे लेना पड़ेगा उसको, अपने आप को पानी से बचाने के लिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। है ना, अब जो है ना बारिश होएगा तो एक अलग एक्सपेरिमेंट होगा तुम लोग के लाइफ में, राइट? तो मतलब जैसे अब हम लोगों को पता है कि ये चीज होता है, तो अब एक अलग कुछ आपको पता रहता है थियोरेटिकली, तो आप जो उसको देखने का अंदाज बदल जाता है, बेसिकली उसको समझने का अंदाज बदल जाता है। सेम चीज तुम लोग के साथ भी होगा, बिकॉज अब ये चीज जानते हो तुम, तो कभी भी तुम जब बारिश हो रही होगी और साइकिल पे जा रहे होगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जरूर ये करेगा, घर करेगा। तो इसीलिए डे टू डे लाइफ से कभी भी फिजिक्स को जोड़ के पढ़ने से हमेशा फिजिक्स ज्यादा मजा आता है पढ़ने, और फिजिक्स इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है बेसिकली, क्योंकि तुम डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ सकते हो। बच्चों आ गया समझिए? तो अब हम लोग ये जो लिखा हुआ है थ्योरी, इसको देखें कि क्या है थ्योरी पार्ट में। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। सो कंसिडर अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ अ वेलोसिटी। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, मैन इधर चल रहा है, देखो ये वेलोसिटी वेस्ट के तरफ जा रहा है वीएम से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन टूवर्ड्स वेस्ट विथ वेलोसिटी वीएम रिप्रेजेंटेड बाय ओए वेक्टर। Let the rain be falling vertically downward with velocity vr represented by ob। तो रेन जो है नीचे के तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे के तरफ ob वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, हम लोग को क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसी रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग को अम्ब्रेला को पकड़ना होगा अपने आप को पानी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। सो टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वी आर एम, ब्रिंग द मैन एट रेस्ट बाय इम्पोजिंग अ वेक्टर माइनस वी एम ऑन मैन। तो ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आओ, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए एक माइनस वी एम वेलोसिटी उस पर लगा देते हैं, ये आ गया रेस्ट पे। उसके बाद Now the relative velocity of rain with respect to man will be the resultant velocity of vr and minus vm। तो vr और minus vm का जो resultant होगा वो हमें vrm का direction देगा, ये हमें vrm का direction देगा। तो इसके लिए vr और minus vm में parallelogram complete करते हैं, rectangle यहाँ पे क्योंकि vertical था, तो vrm जो है ये parallelogram का diagonal हो गया, और उसी डायरेक्शन में बेसिकली वी आर एम के डायरेक्शन में ही हम लोग को अम्ब्रेला को पकड़ना रहता है, जिससे हम अपने आप को बचा सके रेन से। और एंगल, किस एंगल पे हम लोग को अम्ब्रेला पकड़ना है, वो जनरली जो पूछा जाता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। और अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा वी आर एम, तो ये रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड बस बता रहे हैं वी आर एम। क्लियर बच्चों? यस सर। मैं इस पे वो पार्ट भी लिख देता हूं, तुम लोग को याद रहेगा जब तुम नोट्स बनाओगे, कि इफ द रेन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड when a man is at rest, so when the man is at rest, then if he starts moving
with velocity vm towards east rain appears to be falling vertically now and when he further increases his speed so when he further increases his speed the rain now appears to be coming from the front okay clear hai bachcho अब देखो इफ द मैन वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो उसको अपना जब स्टेशनरी है तो देखो उसको अपना स्ट्रेट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़े रहना था जब वो राइट के तरफ मूव करने लगता है तो देखो उसको उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना होता है जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी रेन का है मैन के रेस्पेक्ट So he has to hold his umbrella in the direction of velocity, relative velocity of rain with respect to man. That is, the umbrella should be held making an angle theta west of the vertical. So यहाँ पे because right side में move कर रहा है तो east of the vertical हो जाएगा. तो पीछे वाले question के हिसाब से वो बता रहा है west of vertical. यहाँ पे इधर move कर रहा है तो इसको हम लोग right east of vertical बोल देंगे. अगर इसके हिसाब से हम बात करें ये होता है भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ तो ये बेसिकली ईस्ट ऑफ वर्टिकल में हम बात करें क्लियर बच्चों यस सर अब चलो क्वेश्चंस करते हैं है ना क्वेश्चन से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पहला क्वेश्चन मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर तुम लोग बेटा नोट्स बना लेते हो ना घर पे जब भेज देते हैं ये सब तो तुम लोग नोट्स बना लेते हो ना अच्छे से क्वेश्चन और आंसर के साथ यस सर हाँ बना लिया तो जो थ्योरी पार्ट है वो लिख के और साथ में क्वेश्चन और आंसर साथ में जिससे कि जब रिविजन करोगे तो ये न्यूमेरिकल और उसके सोल्यूशन तुम्हारे पास कॉपी में रहे तो उसी से पूरे साल पढ़ाई होगी बेसिकली इसीलिए कॉपी जितना अच्छा बना रहेगा उतना अच्छा पढ़ाई होगा बाद में मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन इन विच डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल कि भाई रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली रेन जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल हो रहा है और ये जो आदमी है सो दिस पर्सन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वीएम और ये वीआर हो गया हम लोग पहले माइनस वीएम निकाल लेंगे ये हमारा माइनस वीएम है और तो कभी भी क्वेश्चन आए तो बेसिक से हम लोग बढ़ेंगे जैसे हम लोग अभी समझ रहे थे चीजों को और उसको जो है अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा तो मान लो ये जो एंगल है थीटा एंगल में पकड़ना पड़ेगा तो ये अगर मैग्नीट्यूड इसका वीएम है
ये इसका मैग्नीट्यूड वी आर है, इसका भी मैग्नीट्यूड वी एम होगा, टेन थीटा वी एम बाई वी आर हो जाएगा, और ये जो वी आर एम है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो गया. सो वी आर एम का मैग्नीट्यूड है ना, वी आर एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वी एम का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, बीच में एंगल 90 डिग्री है इनके, है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है वी आर और वी एम, इसीलिए थीटा वीटा कुछ नहीं लेते हैं. तो रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो गया रूट अंडर वी आर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे मैन का स्पीड 3 किलोमीटर पर आर दे रखा है और रेन का 4 किलोमीटर पर आर दे रखा है. सो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 हो गया, विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आर. सो ये तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मैन हो गया. एंगल निकालना है, एंगल के लिए ये टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर हो गया. सो वी एम है हमारा जो वैल्यू 3 है. सो वी एम इज 3 एंड वी आर इज 4, 3/4 3/4 थीटा 37 डिग्री पे होता है. सो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. नेक्स्ट पे आते हैं. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद रिस्पेक्ट टू 12 मीटर पर सेकंड. तो ये देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बट रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन है ना. तुम लोग को थोड़ा सा ये जानबूझ के बीच में डाला हुआ है, जिससे कि ऐसा नहीं कि रेन और ये देखें तो हमेशा वीआरएम वाला चीज लगा दें. क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है उससे हम लोग को पता चलता है. तो ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं बट रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन. रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी करते हैं, रिजल्टेंट में वी ए और वी बी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर सम निकाल लेते हैं. और रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है. तो देखो यहाँ पे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये रेन का डायरेक्शन हो गया वी आर, ठीक है, इसका स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. East से west के तरफ जा रहा है, तो ये हो गया wind का direction, velocity of wind, ठीक है, VW हो गया. और VW का value यहाँ पे 12 meter per second है ना, east to west direction, ये हो गया east to west direction. तो direction sense हमेशा यही हम लोग फॉलो करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट. तो ईस्ट से वेस्ट मतलब लेफ्ट राइट से लेके लेफ्ट की तरफ. अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप. बॉय क्या है? स्टेशनरी है, राइट. तो बॉय यहाँ पे स्टेशनरी है, ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. तुमको निकालना है कि किस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला पकड़ना होगा. तो अम्ब्रेला किधर पकड़ना होगा? जिधर रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना. रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे विंड और रेन का जो रिजल्टेंट होगा है ना, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है. तो नेट वेलोसिटी किसका? रेन और विंड का नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो वी जो है दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों का रिजल्टेंट होता है ये नेट वेलोसिटी. तो
अब इसमें v का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर ऐसे करते हैं, और हम लोग को इन विच डायरेक्शन, तो बेसिकली इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, और ये जो एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली ये तुम्हारा वी आर हो गया, ये वी डब्ल्यू हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी आर। सो वी डब्ल्यू इज, विंड का डायरेक्शन इज 12, रेन इज 35, टेन थीटा इज 12/35, तो इससे हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/35। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सो 18.92 डिग्री, पॉइंट में करेंगे तो 0.92 डिग्रीज, इसको अगर हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 degrees 56 minutes होता है। तो बेसिकली ये टेबल से लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा लिखते हैं, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगा 18.92 डिग्री। वैसे तुमको एग्जाम में यहीं पे छोड़ देना, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बच्चों? डिफरेंस समझ में आया, रिजल्टेंट और रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन करते हैं, वी आर एम, वी आर माइनस वी एम करते हैं, रिजल्टेंट में क्या कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ विंड को ऐड कर रहे हैं, जिससे उसका रिजल्टेंट इफेक्ट नेट वेलोसिटी निकल सके। ठीक है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। यस सर। अब देखो वैल्यूज सेम है, बट यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। वुमेन राइड्स अ बाइसिकल with a speed of 12 meter per second in east to west direction. So woman, the woman is riding a bicycle from east to west direction. So ye velocity of woman, okay, vw hum log kar rahe hain. So velocity of woman is equal to 12 meter per second. What is the direction in which she should hold her umbrella? Ab vw hai, hum log ko kya karna padega? VW है तो पहले हम लोग को माइनस वी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। माइनस वी डब्ल्यू निकालने के बाद पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेमेन, और ये वर्टिकल हो गया, तो ये उसको अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल मान लो ये जो एंगल है वो थीटा हो गया, सो ये एंगल थीटा हो गया। अब हम लोगों को इसका ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वी डब्ल्यू है, तो ये मैग्नीट्यूड वी डब्ल्यू हो गया, इसका मैग्नीट्यूड वी आर हो गया, टेन थीटा निकालेंगे तो दिस इज वी डब्ल्यू बाय वी आर। सो सेम वैल्यू है 12/35 जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 12/35,
which is equal to 18.92 degrees कर लो या 18 degree 56 minutes. और किस direction में? Vertical towards the west. कितना angle? 35. ये जो angle 18 degree 56 minute है, towards west है. Vertical से west के direction में पकड़ना है. ठीक है? Clear है सभी बच्चों को? Yes sir. Yes. Next question is, to a man going westward with a speed of 6 km per hour, rain appears to fall vertically. तो देखो जब वो 6 km per hour के speed से जा रहा था, तब उसको appear कर रहा है vertically. मतलब कि जब वो stationary था, तो पीछे से उसके तरफ आ रहा होगा rain. मतलब basically जब वो move कर रहा है, तब उसको vertical दिख रहा है. मतलब जब वो stationary रहा होगा, तो पीछे से आ रहा होगा rain. जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात किया था उस कॉन्सेप्ट में, याद है ना कि भाई अगर वो स्टेशनरी था, पीछे से आ रहा है रेन, तो वो मूव करेगा तो पहले वर्टिकल होगा और बाद में आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. तो जितना स्पीड बढ़ाता रहेगा उसका जो रेन का डायरेक्शन है वो पहले सामने आएगा, पहले वर्टिकल होगा और उसके बाद सामने की तरफ मूव कर जाएगा पीछे से. तो जब वो स्टेशनरी था तो पीछे से उसको रेन हिट कर रहा होगा जब वो एक्चुअली रेस्ट में था. सो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा, और डायग्राम सही बनेगा तभी फिर तुम्हारा क्वेश्चन सही बनेगा. सो टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. मतलब ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है. ये डायरेक्शन जो वर्टिकल डायरेक्शन है वी आर एम का डायरेक्शन है. और ये कब है, जब द पर्सन इज गोइंग वेस्टवर्ड with a speed. मतलब ये जो man है he is going westward with a speed let's say vm. तो अब ये because resultant है तो आप क्या करो, एक parallelogram पहले complete करेंगे. तो ये जो direction है, I'm sorry. ये हमारा VRM था, vertical downward. ये हमारा VM है इस direction में. तो अब हम लोग को minus VM पहले निकालेंगे. ये माइनस वीएम हो गया और ये जो रिजल्टेंट है ये वी माइनस वीएम और वीआर का रिजल्टेंट है. तो ये बेसिकली माइनस वी एम और ये वी आर हो गया. तो वी आर और माइनस वी एम का जो रिजल्टेंट होता है वो वी आर एम होता है. और अभी क्या है, मतलब जब वो स्टेशनरी था तब इस एंगल पे था. सो द पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो वी एम का वैल्यू दे रखा है, this is 6 km per hour. Rain appears to fall vertically downward with a speed 8 km per hour. VRM का जो value दे रखा है, VRM, this is 8 km per hour. Now find the actual speed of the rain in its direction. मतलब हम लोगों को VR का value निकालना है. So हम लोगों को यहाँ पे VR का value निकालना है.
सो ये जो है ये वाला वैल्यू निकालना, वी आर एम है 8, ये है 6, ठीक है, तो 8 है और ये 6 है, तो जो वी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 का रूट अंडर मतलब रूट 100 हो गया, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेन का जो डायरेक्शन है, जो स्टेशनरी जब आदमी था तब जो रेन का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन। अब हम लोग को निकालना है कि भाई ये जो एंगल है ये कितना था, मतलब अभी तो उसको वर्टिकल आ रहा है जब वो मूव कर रहा है, अब पहले जब वो स्टेशनरी था तब जो रेन का डायरेक्शन था वो ये डायरेक्शन था रेन का, ठीक है, ये डायरेक्शन था। तो हमें डायरेक्शन थीटा अगर निकालना है, मान लीजिए ये टेन थीटा है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 6/8 हो जाएगा, 3/4, सो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। और किधर से रेन आ रहा है, ईस्ट ऑफ वर्टिकल से, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, बिकॉज ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल से ईस्ट डायरेक्शन में अपने छाते को पकड़ना होगा अगर वो स्टेशनरी है, मतलब रेन का जब एक्चुअल डायरेक्शन ये है, तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी निकालना था और एक्चुअल डायरेक्शन निकालना। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बेटा जब वो क्वेश्चन में कह रहा है टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब वो वेस्ट के तरफ जा रहा था तब उसको रेन जो है वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है, जब वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तब उसको रेन ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है सामने, मतलब बिल्कुल वर्टिकल ऊपर से। तो इसका मतलब जब वो रुका हुआ होगा तो रेन कहीं पीछे से उसके तरफ आ रहा होगा। अभी मोशन इस आदमी का क्या है, ये जो आदमी है इसका मोशन इस डायरेक्शन में ईस्ट के तरफ, तो जब रुका हुआ होगा तो रेन का डायरेक्शन पीछे से आ रहा होगा ना। मैंने बताया था जिधर मोशन होता है उधर अम्ब्रेला शिफ्ट करता है या रेन का डायरेक्शन शिफ्ट करता है, तो यहाँ रेन का डायरेक्शन किधर शिफ्ट करेगा, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब मूव कर रहा है तब वर्टिकल है, तो रुका होगा तो पीछे से आ रहा होगा, जैसा कि हम वो केस बताए थे जहां पे कि वीएम और 2vm से मूव कर रहा था। तो वही कॉन्सेप्ट पे ये हमारा जो डायरेक्शन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर वेलोसिटी ऑफ रेन देखो एक्चुअली में जब आदमी रेस्ट पे था तब ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन का, है ना, और वेलोसिटी ऑफ मैन वीएम इधर ईस्ट के तरफ जा रहा है तो माइनस वीएम वेस्ट के तरफ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस वी एम और ये जो वी आर है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वी आर एम निकलेगा। तो मतलब ये जो वर्टिकल है ये वी आर एम हो गया, ये माइनस वी एम हो गया और ये वी आर हो गया। हम लोग को डायरेक्शन निकालना है कि ओरिजिनल डायरेक्शन रेन का क्या था और उसका वैल्यू क्या था, ओरिजिनल वैल्यू रेन के वेलोसिटी का। तो ये जो वैल्यू वी आर एम दे रखा है 8, ये वैल्यू दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, और जो मैन का वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आर ये भी दे रखा है। तो अब अगर ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर ये 8 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये 10 हो गया मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आर है, और डायरेक्शन निकालोगे यहाँ पे अगर इस एंगल को थीटा लिया है तो 10 थीटा जो है 6/8 3/4 हो जाता है, उससे 37 डिग्री। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए फटाफट करके हमको बताइए क्या आता है आंसर। बेसिक क्वेश्चन है,
टेन थीटा के टर्म्स में बस बता दें. सर 3/5 आ रहा है. हाँ 3/5 आ रहा है. 7 डिग्री सर. यस सर. हाँ 3/5 तो सबका बिल्कुल सही है. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. जिन्होंने नहीं किया उसके लिए ठीक है. एंड अ मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये सिंपल, ये देखिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया और मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वी एम. और हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो है ये डायरेक्शन हो गया वी आर एम का ठीक है. हम लोग को ये निकालना है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड. रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. मैन का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. हमें ये एंगल थीटा निकालना है जिस डायरेक्शन में मतलब वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ना होगा. तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन थीटा हो गया ये वर्टिकल से. तो ये अगर 10 थीटा निकालेंगे तो दिस विल बी 6/10 विच इज 3/5 ठीक है. 3/5 करेंगे वो 3/4 होता तब 37 डिग्री लिखते. 3/5 tan थीटा में वो 37 डिग्री नहीं है सर. पर कल आपने तो बताया था 3/5 37 डिग्री. ध्यान नहीं दिया होगा तुमने. sin थीटा जब 3/5 होता है तब. ओह सॉरी सर. सॉरी सॉरी यस tan थीटा. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स. tan इनवर्स ऑफ 3/5 ठीक है. ये सब नई चीज है. थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक जगह कहीं पे लिख के रख लो अपने स्टडी टेबल के सामने. तो हमेशा रोज देखोगे ना तो याद हो जाएगा कि भाई साइन 37 3/5 है ना. और कॉस 37 4/5 है. तो नोट्स में एक बार पीछे जाके वो सब चीज लिख लिख के रखा करो है ना. हम लोग तो एग्जाम के समय यही सब बस देख के जाते थे. खैर बाद में तो याद ही हो जाता है बट फिर भी एग्जाम के एक रात पहले दो रात पहले यही सब चीजें देख के जानी होती. तो इसीलिए अभी से तुम लोग तैयारी करो. उस जो 4 दिन 5 दिन लास्ट में पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि तुम क्या लिखोगे एग्जाम में. जितना तुम्हारे दिमाग में रहेगा उतना ही लिखोगे ना. तुमने 2 साल में क्या पढ़ा उसका तो टेस्ट है नहीं. टेस्ट उस 3 घंटे का है कि उस 3 घंटे में तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें हैं जो कि तुम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या वहां पे पेपर में लिख पा रहे हो ठीक है. तो उसकी तैयारी ये 2 साल होती है. कॉन्सेप्ट तुमको आता होगा अगर लेकिन ये चीज ध्यान से उतर गया कि भाई थीटा 37 डिग्री में क्या था तो कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे जब तक वो एंगल हम लोग लिख नहीं पाएंगे. तो यही वजह है कि हम वो कॉपी बनाने के लिए तुम लोग को प्रेरित करते हैं क्योंकि लास्ट में जाके फिर बना नहीं पाओगे. उसके बाद इतना बड़ा बोझा लगेगा भाई साहब 2 साल का चीज कैसे लिखे. रोज थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो अपने आप तैयारी हो जाएगी और लास्ट में तुमको लिखने की जरूरत नहीं. अप्रिशिएट करोगे 2 साल बाद. याद आएगा सर ने बोला था और कितना अच्छा चीज बोला था. चलिए नेक्स्ट वाला है. ये भी सिंपल है. इसको भी आप कर सकते हैं. करके बताइए.
सर फाइव रूट फाइव मीटर पर सेकेंड. हाँ वैल्यू सेम हो गया. डायरेक्शन बताओ. वैल्यू ठीक है फाइव रूट फाइव मीटर पर. सर टैन इनवर्स वन अपॉन टू. बहुत बढ़िया सर. मेरा भी सेम है. बहुत बढ़िया बेटा. सब लोग बहुत अच्छा करो. चलिए अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो मूव कर रहा है ना 5 मीटर पर सेकेंड से, तब रेन का डायरेक्शन वर्टिकल है. मतलब जब स्टेशनरी था तो पीछे से कहीं से आ रहा था रेन. तो अब ये मान लो ये VM है और वर्टिकल जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये जो डायरेक्शन हो गया ये माइनस Vm हो गया और ये जो डायरेक्शन है ये Vr हो गया. Vr और माइनस Vm का जो वेक्टर सम है वो Vrm. अब हमें एक तो पहले Vrm का वैल्यू निकालना है. तो ये देखो Vr दे रखा है हमें. सो अ मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व्स अ रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. तो ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड. Vrm दे रखा है. Vrm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड और मैन का मतलब Vm इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10. अब हमें Vr निकालना है. Vr इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सो दिस इज 125. सो दिस इज इक्वल टू 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड रूट अंडर 125. अब हमें tan थीटा निकालना है कि ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था रेन का. तो ओरिजिनल डायरेक्शन ये है रेन का. सो tan थीटा इज इक्वल टू 5 by 10 which is 1 by 2. Theta is equal to tan inverse 1 by 2. Clear hai? Yes sir. Yes sir. Likh liya sabne? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला करके बताइए. बन गया सर. बताओ आंसर. सर 20 बाय रूट अंडर 3. 20 बाय रूट अंडर 3 किस चीज का वैल्यू निकालना. फाइंड द वेलोसिटी विच इज द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू. वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल रहे हैं ना. वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है. वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इसमें तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ आंसर. आया किसी का और आंसर. यस सर 10 मीटर पर सेकेंड. सही है 10 मीटर पर सेकेंड. देखो क्या कह रहा है. स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल. मतलब वो जो जब स्टेशनरी है तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है
find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. तो ये वो वाला concept है कि पहले खड़ा है, जब stationary है, रुका हुआ है, तो उसको पीछे से rain hit कर रहा है और जब वो move करेगा, तब फिर आगे से hit करेगा. So, for example, तो ये तब है जब वो मूव कर रहा है, वी आर एम है बेसिकली. और लेट से एक मैन इधर मूव कर रहा है, तो माइनस वी एम इधर हो जाएगा. तो ये बेसिकली रिजल्टेंट है. ये वी आर हो गया. तो हम लोग को बेसिकली एक्चुअल वी आर दे रखा है. सो अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है वैल्यू एट एन एंगल 30 डिग्री. ये थीटा जो है ये भी दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आपको कह रहा है find the velocity with which man should move so that rain appears to fall vertically to him. तो हमें Vm का value निकालना है, मतलब ये value Vm निकालना है. देखो ये 20 दे रखा है, ये Vm है और ये angle दे रखा है. तो हमें पता है कि sin theta is equal to Vm by Vr हो जाएगा. देखो perpendicular ये 90 degree है, sin theta is perpendicular by hypotenuse. राइट. सो वी एम है हमें निकालना, वी आर है 20 और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वी एम अपॉन 20. साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 इज वी एम अपॉन 20 और वी एम इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10. सो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. ही थ्रोस द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकंड. ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड एंड विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन. सेम कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ है तो पीछे से रेन आ रहा है, उसको पीछे की तरफ अम्ब्रेला 60 डिग्री पे पकड़ के रखना था. जब वो अम्ब्रेला को छोड़ के दौड़ना शुरू करता है तब उस पर वर्टिकली हिट करना शुरू कर देता है, मतलब वो पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया रेन का डायरेक्शन. तो अब आपको हमको ये दोनों वेलोसिटीज निकाल के बताना है. निकाल के बताइए, आंसर तो दिया हुआ है, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आपका. क्वेश्चन कह रहा है कि वही सेम चीज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है और ये मान लो वीएम है, ये हमारा माइनस वीएम हो जाएगा. तो ये वी आर का डायरेक्शन है,
सो ये एंगल है 60 डिग्री और वीएम का वैल्यू जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब तुमको वीआर का वैल्यू निकालना है और वीआरएम का वैल्यू निकालना है, दोनों निकालना है. तो जब वीआर निकालना होगा तो मान लो ये वीआर हो गया, ये वीआरएम हो गया, राइट. तो अगर हम लोग वीआर निकालना है तो साइन 60 डिग्री लिखेंगे. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन. Velocity of man 20 by velocity of rain. Sine 60 degree root 3 by 2 hota hai. Is equal to 20 by VR. So VR is equal to 40 by root 3. So iska jo value hai. Hai. बी पार्ट है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन, मतलब वी आर एम हम लोग को निकालना है. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वी एम, ये जो हमारा वैल्यू है ये वी एम के बराबर है, ठीक है. तो वी एम बाय वी आर एम, सो वी आर एम tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री है और वी एम का वैल्यू 20 है. तो वी आर एम इज इक्वल टू 20 बाय रूट थ्री. तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 23.1 का, तो ये 11.55 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. ठीक है, तुम लोग थोड़ा अब जो है ना सीरियसली प्रिपेयर करो, क्योंकि पहला तुम्हारा जो मॉड्यूल टेस्ट होगा, ठीक है. तो अब तुम लोग जब आईआईटी नीट का तैयारी कर रहे हो तो तुमको टर्मिनोलॉजी सब अच्छे से पता होना चाहिए. मॉड्यूल टेस्ट होता है बेसिकली कि पार्ट बाय पार्ट टेस्ट. तो पहला तुम्हारा मॉड्यूल टेस्ट होगा 4th अक्टूबर, 4th अक्टूबर संडे है या 5th अक्टूबर को संडे है? 4th अक्टूबर को संडे. तो 4th अक्टूबर को तुम्हारा पहला मॉड्यूल टेस्ट होगा, ठीक है. इस मॉड्यूल टेस्ट में हम लोग जहां तक करेंगे एक हफ्ते पहले तक तुमको बता देंगे, तुम्हारा सिलेबस वगैरह बता दिया जाएगा. और बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा जैसे कि आईआईटी का टेस्ट होता है. तुम लोग को एक थोड़ा दिखाते भी हैं. ये लिख लिया सबने? यस सर. ठीक है, तुम लोग का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम क्रिएट करवा देते हैं बोल के अंकित जी से. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? तो बिल्कुल इस तरह का देखो जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे तुम एनटीए का प्लेटफॉर्म होता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि सारे टेस्ट कराती है अभी, मतलब बीट नीट या आईटीजी. नीट तो अभी पेन एंड पेपर हो रहा है, बट इवेंचुअली हमको लगता है तुम्हारे टाइम तक वो ये हो जाएगा. तो ये देखो हम लोग का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. तो बेसिकली इसमें देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे टेस्ट तीनों का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन जो आईटी का भी पैटर्न है वो वाला बना हुआ है. और इसमें देखो 1 से 25 क्वेश्चन है, तुम किसी भी क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो कि तुमको किसको रिव्यू करना है ना, बाद में वापस लौट के आना है तो सेव मार्क फॉर रिव्यू ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है. मान लो हमने एक ऑप्शन दिया और इसको सेव कर लिया, तो ये यहाँ पे अगर हमको वापस जाना है तो उस पर जाके हम लोग देख सकते हैं कि क्या उसमें दोबारा हमको रिवाइज करना है. तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तुम लोगों को
मतलब और उसके बाद फिर एग्जाम जैसे ही दोगे तुमको सारा वो रिजल्ट वगैरह भी दे देंगे, ठीक है, कि क्या रिजल्ट है, कितना ये है, तुम्हारा रैंकिंग क्या रहेगा, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी शुरू कर दो 4th अक्टूबर। टाइम लिमिट भी रहेगा सब चीज? हाँ, टाइम लिमिट रहता है, तुम्हारा टाइम वो साइड में चलता रहेगा ना, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का में खत्म हो जाएगा तुम्हारा पेपर अपने आप। इन्विजिलेशन वगैरह भी होगा, तुमको वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे कि तुम मतलब कोई भी बच्चा जो है वो कोई फॉल्स मीन्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, इस तरह से टेस्ट होगा, प्रॉपरली प्रॉक्टर्ड टेस्ट होगा प्रॉपर इन्विजिलेशन के साथ, ठीक है। लॉग इन आईडी क्रिएट करवा देंगे अंकित जी को बोल के, और मतलब पूर्णिया में तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं दे रहा होगा, कोई भी ऐसा टेस्ट उन लोग को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, तो तुम लोग बहुत लकी हो कि तुमको ये बेनिफिट मिल रहा है, और अच्छे से उसका इस्तेमाल करो। और कल भी हम लोग बात किए थे वहाँ पे, जो डीएम है बेसिकली मेरे स्कूल से ही पास आउट है वो जो डीएम है, तो उनसे मेरी बात हुई थी कल भी रिगार्डिंग ये इंस्टीट्यूट खोलने की और ये सब की। तुम लोग बोल रहे थे ना कि सर कब खुलेगा, तो उन्होंने तो भाई सख्त हिदायत